का दर्जा देश में वो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? उत्तर प्रदेश को बीजेपी से हम लोग मुक्ति कर देंगे, तब इन चीजों से सबसे मुक्ति हो जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश के बीच जुबानी जंग जारी। केशव बोले, गांधी परिवार के दरबारी बन गए हैं अखिलेश यादव। क्यों सीएम योगी की तारीफ के पुल बांधने लगे केशव प्रसाद मौर्य? सीएम योगी के आगे सरेंडर हुए केशव प्रसाद मौर्य के यूटर्न की कहानी क्या? मौर्य ने मुलायम सिंह यादव को लेकर अखिलेश यादव पर कसा तंज। जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से जो तेवर डिप्टी सीएम ने अपनाए हुए हैं, उनको देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी को लेकर जो कहा है, उसने यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। लोकसभा चुनावों के बाद से ही उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में गुटबाजी की खबरें सामने आने लगी हैं। एक तरफ खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिखाई दिए। इस दौरान कई बयान ऐसे भी सामने आए जिसके बाद लगने लगा कि यूपी भाजपा यूपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मगर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कहा है जिसने राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने अचानक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी है और अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले लिया है। बता दें कि बीते रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मजबा में कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है और देश में योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। कार्यकर्ताओं के बीच दिए गए इस बयान के बाद से ही ये चर्चा चल पड़ी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच की दूरियां खत्म हो गई हैं। क्या दोनों में अब सब कुछ ठीक हो गया है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक केशव प्रसाद मौर्य ने योगी की तारीफ कर दी? अब ये सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये भाजपा की किसी रणनीति का हिस्सा है? मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है, उसमें सबसे अच्छा काम की अगुवाई में किया जा रहा है। इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों ले लिया था। जब उनसे पूछा गया कि केशव प्रसाद मौर्य ने इसका समर्थन किया, तो अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री डांट देंगे तो केशव प्रसाद मौर्य चुप होकर बैठ जाएंगे। तो खड़े होकर के सड़क पर सभी 69,000 वाले बच्चों को माला पहनानी चाहिए कि उनके संघर्ष की वजह से ये परिणाम आया। देखिए, आप अननेसेसरी अपने चैनल चलाने के लिए उनका नाम मत लिया करो, वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट में। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। वो नहीं मानते, आप पता कर लेना। देखिए ये हाँ, मेरे बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बात आप कह रहे हो। मैं इस बात को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। बीजेपी की नियत और मंशा हमेशा रही है कि खिलवाड़ हो, लोगों में एक दूरी बने, लोगों में झगड़ा लगे, लोगों में बंटवारा हो, लोगों के बीच में खाई पैदा हो। सबसे पहले जब मेरिट से भर्ती पुलिस की हुई थी, उस समय जो परिणाम बना था वो पहले जो व्यवस्था थी आरक्षण की उसके तहत बना था। पूरा रिजल्ट बना हुआ कोर्ट में रखा था, क्योंकि हमारी सरकार नहीं बनी समाजवादियों की और बीजेपी की सरकार आ गई। उस समय तक ये फैसला आ गया था कि जो पिछड़े और दलित के लोग हैं उनको अपनी कैटेगरी में रखना पड़ेगा, उस कैटेगरी से बाहर नहीं जा सकते। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हालांकि मूल भावना जो आरक्षण की उसके खिलाफ थी, मूल भावना से खिलवाड़ लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही। तो जो बच्चों का रिजल्ट घोषित हुआ था वो पहले वाला जो रिजल्ट बना था, जिसमें जनरल में भी बच्चे आए थे बैकवर्ड और दलित, वो रिजल्ट बना था। 4 दिन बाद रिजल्ट बदल दिया बीजेपी की सरकार ने और उन्होंने कहा कि नई जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आई है उसके माध्यम से रिजल्ट बनेगा। तो उस समय 1800 बच्चे पिछड़े और दलित के लोगों की नौकरी चली गई थी।
क्योंकि जब जनरल से वो नीचे आएंगे तो उस कैटेगरी के बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जितना कुछ घोटाला और घपला किया है, इस सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के चीफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। लगातार दोनों नेता एक दूसरे पर तीखे सियासी हमले कर रहे हैं। कभी अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हैं तो कभी केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर तीखा तंज कसते हैं। इसी बीच एक बार फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस बार समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव गांधी परिवार के दरबारी बन गए हैं। ये बात नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कभी नहीं सोची होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दिया कि जिसे सुनकर अखिलेश यादव और समाजवादी नेताओं का खून खौल जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि धरती पुत्र दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके गुजरने के बाद उनका पुत्र अखिलेश यादव दरबारी बन जाएगा गांधी परिवार का। इससे उनका समाज भी आहत है कि नेता का बेटा किसी और की चाकरी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सपर्ट।